हाय दोस्तों, आपसे एक बार फिर स्वागत है। तो आज फिर हम एक बार अपनी भारतीय रेल से जुड़ी रोचक तथ्यों के सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हाय दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों को जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जो भारतीय रेल है, इसमें जो पहला टॉयलेट्स लगा था वह 50 साल बाद लगा था इंडियन रेलवे के चलने के। तो इसका जो क्रेडिट आता है वह एक पैसेंजर जिनका नाम अखिल चंद्र सेन है, उनको जाता है, जिन्होंने 1909 में एक लेटर लिखा था भारतीय रेलवे को, जिसके बाद ही भारतीय रेल ने अपने ट्रेनों में टॉयलेट्स को लगाना स्टार्ट किया। सबसे लंबी रेल सुरंग है वह भारतीय रेल के पास ही है, जो कि पीर पंजाल रेलवे टनल है, वह जम्मू कश्मीर में है और उसकी जो टोटल लंबाई है वह 11.25 मतलब 11.25 किलोमीटर की है, जो कि वर्ल्ड में सबसे लंबी रेल टनल है। ऐसी ट्रेन जिस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सके कि यह कब पहुंचेगी कब नहीं पहुंचेगी, ऐसी ट्रेन भारत में ही है, जो कि हमेशा लगभग 10 से 12 घंटा डिले ही होकर चलती है। वह भी क्रेडिट भारतीय रेलवे के नाम ही है, जो कि गुवाहाटी से तिरुवनंतपुरम के बीच चलती है। यह गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस है। अगर हम दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज की बात करें, लंबा ब्रिज, हमने ऊंचा ब्रिज की बात तो कर ली थी, अब हम सबसे लंबे ब्रिज की बात करें तो वही भारत में ही है। यह सबसे लंबा ब्रिज भारतीय रेल के वेम्बांड रेल ब्रिज है। वेम्बनद रेल ब्रिज जो कि केरला में है, इसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है, मतलब 4620 मीटर लंबा यह वेम्बनद रेलवे ब्रिज भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल ब्रिज है, जो कि केरला में स्थित है। अगर हम सबसे छोटे नाम के रेलवे स्टेशन की बात करें तो वह भी भारत में ही है। जो सबसे छोटे नाम का रेलवे स्टेशन, उसका नाम है आईबी रेलवे स्टेशन उड़ीसा में है, जो कि सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन। अगर हम सबसे पुराने रेलवे सिस्टम की बात करें तो वह भी भारत के पास ही है। मुंबई का सब अर्बन रेलवे सिस्टम है, वह एशिया का सबसे पुराना रेलवे सिस्टम है, जिसको हम अब मुंबई लोकल ट्रेन भी बोलते हैं। तो यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे सिस्टम है और भारत के पास ही एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम भी है। भारत में टोटल 8 रेल म्यूजियम है, जो कि चेन्नई, दिल्ली, घूम, पुणे, कानपुर, कोलकाता और तिरुचिरापल्ली में है। इन सब में से जो दिल्ली का रेल म्यूजियम है वह एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम है। अगर हम भारतीय रेल के जो ट्रैक हैं उनकी बात करें तो जो भारतीय रेल का ट्रैक है वह धरती के जो लंबाई है उसका लगभग 1.5 गुना है। मतलब आप अगर धरती का चक्कर काटेंगे उसके जो 1.5 गुना लंबाई है, उतनी लंबाई का ट्रैक जो है भारतीय रेल में छा रखा है। अगर हम सबसे ज़्यादा स्टॉपेज की बात करें तो कोई ट्रेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितनी बार रुकती है, तो इसका भी जो श्रेय है यह भारतीय रेलवे के पास ही है। जो हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस है, इसमें टोटल 115 स्टॉपेज, जो कि एक रिकॉर्ड है अपना एक्सप्रेस ट्रेन का। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में भारतीय रेल से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।